आज हम नीट में आने वाले क्लास 12th की फिजिक्स का टू द पॉइंट बात करने वाले हैं, बिल्कुल बिना टाइम लॉस किए, है ना। तो आज 12th के बारे में बात करते हैं। देखिए क्लास 12th की जो भी टू द पॉइंट है, मैं देखिए जितने भी पॉइंट्स है पहले से ही मैं लिख दिया हूँ। मैं बहुत कम समय में अगर वीडियो बनाना चाहता हूँ तो पहले से रिटेनों का बताना रहेगा कि ऐसे ऐसे इस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा और ये फॉर्मूले की नीड है, इतना ही हम बात करने वाले हैं। लेकिन 100% बता रहा हूँ कि अगर पूरा करके जा रहे हैं, मैंने दो वीडियो डाला हूँ, एक क्लास 11th का डाला हूँ, एक क्लास 12th का डालने जा रहा हूँ, अगर ये पूरा समराइज करके जाते हैं 150 मार्क्स आ जाएंगे इजीली, क्योंकि बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आ रहे हैं आजकल, बहुत बेसिक लेवल पे, है ना। तो इसमें हम लोग बात क्या करने वाले, कलर इसका दूसरा ले लेते हैं ना। इसमें जो हम लोग आज बात करने वाले हैं, देखिए मैंने टॉपिक वॉपिक नहीं लिखा, डायरेक्ट टू द पॉइंट नोट करके लाया हूँ, क्लास 12th का है। आप सुने होंगे क्यू इक्वल टू एनी, ठीक है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ई 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है, तो यहां से क्यू निकाल सकते हैं, है ना। और कूलम्स लोगों को मैंने डायरेक्टली लिख दिया हूं एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और के की वैल्यू कितनी होती है 1/4πε₀, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ होता है ना, ये के की वैल्यू मैंने रिटेन कर दिया हूं, और अब साइलेंट नोट की वैल्यू नोट कर दिया हूं, यहां यूनिट के साथ लिखा हूं, क्यों, क्योंकि अगर इसका डायमेंशन पूछता है अब साइलेंट नोट का, तो डायरेक्टली यूनिट से ही हम कन्वर्ट कर लेंगे। अक्सर इसी टर्म के, जैसे 22 में भी अब साइलेंट नोट के बारे में पूछ लिया था, म्यू नोट के बारे में पूछ लिया था, ये सारे डायमेंशन फॉर्मूला पूछता है, जो स्पेसिफिक पॉइंट होते उसके बारे में ही डायमेंशन फॉर्मूला पूछता है ना। अब कि ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन क्या है हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो इतने पॉइंट से भी काम हो सकता है इससे एक क्वेश्चन आ जाए, है ना। अब देखिए ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर मतलब क्यू बाई एल, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा कूलम पर मीटर। ये है क्यू बाई ए, तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये क्यू बाई वी, तो ये हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, इसको भी मैं गॉस थ्योरम में काफी यूज करूंगा। ई की वैल्यू क्या होती है एफ अपॉन क्यू होती है, ई की वैल्यू ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के अक्सर मैं लिख दिया हूं क्योंकि लिखने में थोड़ी सी आसानी हो, 1/4πε₀ नॉट होता है के को, है ना। अब देखिए मैंने एरो भी बना दिया, देखो यहाँ पे लाइंस काफी पास पास है, ये पी पॉइंट है, यहाँ लाइंस दूर दूर है, ये पॉइंट क्यू है, तो ई पे जो है पी पे जो ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ज्यादा है एज कंपेरिजन टू क्यू, तो ई पी ग्रेटर देन ई क्यू हो जाएगा। अब ये हमारे पास रिंग है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा क्यू है, इसकी रेडियस हमारा आर है, तो इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डिस्टेंस पे निकालेंगे तो क्या होता है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 होती है। एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा ले ले तो इस आर को क्या करेंगे हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे रेडियस को, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर रिंग से बहुत दूर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो रिंग हमको पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, लगेगा कि ये एक सिंगल पॉइंट है, और पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या बताया कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो ये एक्स डिस्टेंस माना हो तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल है। अच्छा एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ई की वैल्यू जो हमारा आएगा कितना हो जाएगा, देखिए इसमें एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ई की वैल्यू भी जीरो आ जाएगा। अब देखिए पोटेंशियल का भी फॉर्मूला मैं यही लिख दिया हूँ, ये हमारा रिंग है, एक्स डिस्टेंस पे अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा तो होता के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 सिंपली। अब देखिए ई मैक्सिमम इंटेंसिटी, देखो इसका ग्राफ अभी तक नहीं पूछा, हो सकता है इस बार ग्राफ पूछ ले, ई और एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे आएगा, एक्स इक्वल टू आर बाई रूट टू पे ई की वैल्यू जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड का रिंग की वजह से, मान लो ये रिंग है हमारा और रिंग से ये एक्सेस पास हो रहा है हमारा, और इसकी एक्स डिस्टेंस पे अगर हम बात करें एक्स इक्वल टू आर बाई रूट टू पे, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, और ये होगा टू अपॉन कितना है रूट थ्री, मतलब ये कितना है पावर 3 है, इसको सिंपली कैसे लिखते हैं 3^1/3, यहां मैं 3 ऐसे करके भी पेपर में लिखा जा सकता है, ये आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो एक बात ध्यान रखिएगा, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इसका ग्राफ कितना होता है, कहां पर मैक्सिमम होता है, नीट में मैक्सिमम चांस ये है कि कहे कि एक रिंग है जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू है जिसका रेडियस आर है, इसके एक्सेस पे किस पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, तो एक्स इक्वल टू आर बाई रूट टू ये पूछ सकता है। नीट का पैटर्न एकदम बिल्कुल फंडामेंटल पे है, ये ई मैक्स का जो वैल्यू लिखा हूं ये बहुत कम चांस है पूछे, लेकिन ये पूछ सकता है, या तो ग्राफ पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है ग्राफ। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है डब्ल्यू बाई क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस का भी फॉर्मूला क्या होता है डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू वर्क है, क्यू हमारा चार्ज है, इसका यूनिट और डायमेंशन पर जरूर फोकस कर लीजिएगा, है ना।
नेक्स्ट देखिए, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर हो जाएगा। अगर q प्लस में होगा तो प्लस में रखेंगे और माइनस में होगा तो माइनस में रखेंगे, ध्यान रखे रहिएगा। अब ये क्या है, इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, यहाँ dx भी ले सकते थे, इस फॉर्मूले को हमने काफी यूज करते हैं। तो अगर मान लीजिए दो प्लेट है, एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ का पोटेंशियल v1 है, यहाँ का v2, इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए जी डी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को e मान लेंगे, तो e बराबर v1 माइनस v2 अपॉन d लिख सकते हैं, सिंपल, ध्यान रखे रहिएगा। यहाँ पर माइनस साइन इसलिए लगा क्योंकि ये v2 माइनस v1 है, अगर v1 माइनस v2 कर देंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, है ना। देखिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है और ये इलेक्ट्रिक लाइंस होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसके बीच का एंगल हमेशा कितना होता है 90 डिग्री, ये नीट 2022 में पूछ लिया था, देख रहे हो, बेसिक फंडामेंटल आप पूरा रिवाइज करूंगा, मेरे साथ बने रहो, है ना। ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। अब इधर के सारे पॉइंट्स खत्म हो गए, लगभग नीट में आने वाले काम खत्म हो गए। अगर मैं गॉस थ्योरम में आ जाऊं तो अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड का सरफेस मतलब जैसे क्यूब हो गया, स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल नहीं, स्फीयर हो गया, उसके अंदर अगर कोई चार्ज क्लोज इनक्लोज्ड है तो टोटल फ्लक्स कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। जैसे ये क्यूब है, क्यूब के अंदर चार्ज क्यू है, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इसको फाई से डिनोट करते हैं। अगर ये इसमें क्यूब में कितने फेस होते हैं, सिक्स फेस से पास होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस से कितना पास होगा, क्यू अपॉन सिक्स एप्सिलॉन नॉट होगा। अब यहां पर कॉर्नर पे अगर रख देते हैं, अगर मैं यहाँ कॉर्नर पर रख दूंगा तो इसमें अगर इसको कंप्लीट क्या करना, इनक्लोज्ड करना होगा, तो कितने क्यूब की जरूरत होगी। जैसे मान लो ये कमरा है, कमरे के कॉर्नर पर अगर हमारे क्यूब रखा गया है, चार्ज रखा गया है, तो पहली बात इसके बगल में कमरा चाहिए, उसके बगल में कमरा चाहिए, इसके बगल में कमरा चाहिए, नीचे चार कमरे चाहिए, ऊपर भी चार कमरे चाहिए, तो वो जो कॉर्नर पर चार्ज रखा है वो कंप्लीटली इनक्लोज्ड हो जाएगा, यानी हमें एट क्यूब की जरूरत होगी तब ये वाला चार्ज इनक्लोज्ड होगा। तो अगर एक क्यूब से निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एट एप्सिलॉन नॉट। अगर इस क्वेश्चन में एक फेस से पूछ देता है तो इसमें कितने फेस से जाएंगे, ये तो पैरेलल है, ये वाला पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, और इसके पीछे वाला जो साइड है उसमें पैरेलल है, तो उसको कट नहीं कर रहा, जब कट नहीं कर रहा तो उसको फेस नहीं काउंट करेंगे, तीन फेस होगा, कौन सा, एक ये और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, यहाँ पर साइड में ये फेस और इसके सामने जो है, मेरी बात समझे, तो तीन फेस से जाएगा। फिलहाल आप ये फॉर्मूला जो बता रहे हैं ना, मैक्सिमम चांस है इस इतने से ही एक क्वेश्चन आ जाए, काफी दिन से ये रिपीट नहीं किया है, कई साल से, तो हो सकता है इस साल ये पूछ ले, तो एक फेस से हो जाता क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, मेरी बात समझे। और भी आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वायर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इनफाइनाइट तक, तो यहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, इसीलिए लैम्डा को मैंने पहले डिस्कस कर दिया, लैम्डा क्या है हमारा, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यू बाई एल है, है ना। इसको मैंने फिलहाल ऐसे बच्चों को याद करवाते हैं, ऊपर नीचे दो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, के 2 लैम्डा अपॉन आर, क्योंकि के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻¹, सिंपली रख के आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर कोई नॉन कंडक्टिंग सीट है तो इसके जस्ट बगल में, जस्ट सरफेस के बाहर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू क्या बताया हूँ, क्यू अपॉन ए, पहले बता चुका हूँ। अब देखिए, अगर यही कंडक्टिंग सीट होता है तो जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं डेरिवेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूले से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, है ना। इसको सेल भी बोल सकते हैं, हॉलो कंडक्टर भी बोल सकते हैं, या कंडक्टिंग स्फीयर भी बोल सकते हैं। जब भी किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो चार्ज हमेशा उसके सरफेस पर चला जाता है। अब इसकी वजह से इसके अंदर और इसके सरफेस पर और इसके बाहर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो R greater than R मतलब आउटसाइड की बात कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आउटसाइड अगर मैं V निकालूं तो के क्यू अपॉन R होगा, ठीक है। अगर इसके सरफेस में निकालेंगे तो जहां स्मॉल R है वहां पे कैपिटल R कर देंगे, ये E की फॉर्मूला है, ये V का है। अगर अंदर की बात करेंगे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन V जो होता है हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया हूं, क्या, E इक्वल टू माइनस का डीवी डिवाइडेड बाई डी आर। तो अगर ये जीरो है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन डीवी बाई डी आर इक्वल टू, हम क्या कह रहा हूं, जीरो है, तो इसका मतलब वी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। तो जो सरफेस पे था वही उसके अंदर हो जाएगा। इन दोनों के फॉर्मूले पे क्वेश्चन भी पूछ चुका है और डायग्राम भी पूछ चुका है, ग्राफ। तो ग्राफ में बताता हूं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, यहाँ ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा सिंपली, और यहां पर क्या हो जाएगा, अंदर कांस्टेंट है तो ग्राफ ऐसे गया, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्मॉल आर के, मेरी बात समझे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब डिस्कस कर रहा हूं, इसको स्किप नहीं करना भैया, ध्यान देना है। अब देखो, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मतलब एक ऐसा स्फीयर है
जिसमें चार्ज अगर जहां पर रख दे रहा हूं वहीं पर रह रहा है, इधर उधर मूव नहीं कर रहा है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जैसे प्लास्टिक हो गया, है ना, कंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूं। तो इसके r ग्रेटर देन r पे निकालेंगे तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इस पर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है q, और इसकी रेडियस कितना मान लेंगे r, और आउटसाइड ये r दूरी पे निकाल रहे हैं। इसी तरह v निकालेंगे तो के क्यू अपॉन r होगा, इसमें स्क्वायर नहीं होता है। r अगर उसके सरफेस पे निकालेंगे तो e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और v की वैल्यू हो जाएगी के क्यू अपॉन r हो जाएगा। अगर r लेस देन r पे निकालेंगे तो e की वैल्यू होगी के क्यू r अपॉन r की पावर 3, और v निकालेंगे के क्यू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2r की पावर 3। ध्यान रखे रहिएगा, इस पे भी ग्राफ पूछ चुका है, ठीक है। इसका ग्राफ इसमें देखो, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, और अंदर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा। अगर मैं पोटेंशियल का ग्राफ बनाऊं तो देखो, इसमें अगर r की वैल्यू मैं 0 भी रख दूं, यहां r की वैल्यू 0 रख दूं, तो 3/2 के क्यू अपॉन r आ रहा है, और r की वैल्यू अगर मैं r रख दूं तो भी ये 0 नहीं आ रहा है, ये r स्क्वायर रखेंगे, 3r स्क्वायर में से r स्क्वायर घटेगा, कितना हो जाएगा, 2r स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो फिर नीचे r की पावर 3, एक r बच जाएगा, तो यहां पर कुछ वैल्यू आएगा, आप निकाल लीजिएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, समझ रहे हो। यहां पर जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 3/2 के क्यू अपॉन r आ रही है। ये मैं फॉर्मूला लिख दिया हूं ना, तो इससे आप थोड़ा बहुत आप भी एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत टप नहीं आएगा पेपर, बहुत बेसिक फंडामेंटल पे इस फॉर्मूले पे तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ भी सकता है, क्योंकि ग्रेविटेशन में भी ये फॉर्मूला यूज होता है, ध्यान रखे रहिएगा। अब देखिए, अगर कोई चार्ज का सिस्टम है, अगर उसको हम बना के रखें तो वो उसमें क्या होता है, जबरदस्ती बनाना पड़ता है। जैसे कोई 2++ चार्ज है, इसको 2 मीटर पे कहे हम सेट कर दूं तो जबरदस्ती तो होगा नहीं, मैं उसको वर्क करना पड़ता है, वो उस सिस्टम में स्टोर्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, है ना। डाइपोल होता है, डाइपोल क्या होता है हमारा, दो चार्ज होता है, एक माइनस क्यू होता है, एक प्लस क्यू होता है, इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग 2L लेते हैं, तो डाइपोल मोमेंट निकालते हैं तो ये होता है हमारा क्यू इंटू 2L। अब डाइपोल की वजह से इसके एक्सेस पे एक्सेस ऐसे बनेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एट एनी पॉइंट, तीन केस होता है। तो ये इसके एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हूं, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला हूं, ये इक्वेटोरियल पे निकाला हूं, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, एट एनी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दिए। दोबारा देख लो, ये हमारा कंडक्टिंग स्फीयर था, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था, ये डाइपोल था। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का फॉर्मूला मैं साथ में लिखा हूं, ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब अगर बात करें, अगर हम किसी डाइपोल को रोटेट करें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वर्क डन डिराइव करेंगे तो ऐसा आएगा, थीटा 190 डिग्री ले ले और थीटा 2 थीटा ले ले, तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो इतना आएगा, ये माइनस पी ई कॉस थीटा आएगा, और ये पी ई कॉस थीटा, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगा माइनस पी डॉट ई। टॉर्क, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, टॉर्क होता है हमारा पी क्रॉस ई, पी क्या हमारा डाइपोल मोमेंट है, और कैपेसिटर में आ जाएंगे तो क्यू इक्वल टू सी भी बहुत ज्यादा यूज होता है। ये माइक्रो फेराडे में क्या होता है, 1 माइक्रो फेराडे में 10^-6 फेराडे, और ये देखो म्यू म्यू एफ, हम इसलिए लिख दे रहा हूँ ना, बहुत बच्चे पेपर में कंफ्यूज है, दो बार म्यू लिख दिया, इसका मतलब 1 पिको फेराडे की बारे में बात कर रहा है, 10^-12 फेराडे। अगर हम कोई कंडक्टिंग स्फीयर ले ले, अगर उसका मैं कैपेसिटेंस निकालता हूँ तो सी की वैल्यू कितनी होती है, 4π ε0 r, ठीक है, इसकी रेडियस r बनाऊ। अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेता हूँ, उस प्लेट का एरिया ए लेता हूँ, इसकी विद डी लेता हूँ, तो अगर इसमें कोई मीडियम नहीं है तो सी नॉट कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अगर इसमें कोई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डाल देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कोई मीडियम पेस्ट कर देते हैं, तो सी की वैल्यू हो जाएगी के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाएगा। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर ये जैसे इसमें कंप्लीट फिलअप कर दे रहे थे तब तो ये फॉर्मूला बन रहा था, लेकिन सिर्फ इतना ही पेस्ट करेंगे, यहां और यहां एयर अगर रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है। ये दोनों, ये जो क्यू डैश, इस पे यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हुआ है, उसको भी मैंने यहाँ लिख दिया हूं, के क्या है हमारा, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। दो एक प्लेट दूसरे प्लेट पे कितना फोर्स लगाता है, एफ इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, यानी यहां पर चार्ज हम प्लस क्यू ले रहे हैं तो यहां हम लोग माइनस क्यू ले रहे हैं, ध्यान रखे रहिएगा। अगर मैं कैपेसिटेंस की सीरीज की बात करूं तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 डॉट डॉट करते हैं, पैरेलल में डायरेक्ट जोड़ते हैं C1 + C2 इस तरीके से। अब कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करती है कितना, हाफ सी वी स्क्वायर कर सकती है, फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, है ना।
तो इसमें जो C की वैल्यू मैंने बताया इतना होता है, और E बराबर अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस V मानते हैं, तो अभी मैंने बताया माइनस dV बाई dx बताया था, तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी V बाई d, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी ED। ये C की वैल्यू यहां रख दीजिएगा, V की वैल्यू रख दीजिएगा, ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये भी फॉर्मूला नीट में पूछ चुका है डायरेक्टली, ठीक है। तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट, देखिए लगभग सारे क्वेश्चन इसी फंडामेंटल पे आएंगे, ध्यान रखी रहिएगा। अब देखो अगर इस पे देखो, अभी इस बार 22 में भी क्वेश्चन आया, इसको मैंने थोड़ा ऐसे लिख दिया हूं इसलिए क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन है ना बहुत बार मैं देख चुका हूं आ चुका है। जैसे क्या है, एक कैपेसिटर है, इसको बैटरी लगा के चार्ज कर दिया, फिर इसको हटा के अनचार्ज कैपेसिटेंस से कनेक्ट कर दिया, तो ये इनिशियल में कितना होगा, हाफ सी वन वी स्क्वायर होगा, बाद में कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, फिर फाइनल क्या निकालेंगे, हाफ सी इक्विवेलेंट इनटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर, और एनर्जी कितनी लॉस होगी, 1/2 C1 C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 + C2। और शुरू में दूसरा वाला कैपेसिटर अनचार्ज था, तो ये V2 अक्सर हर क्वेश्चन में जीरो लीजिएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला रखने के बाद आंसर आ जाएगा, ध्यान रखे रहिएगा। तो इस फंडामेंटल पे क्वेश्चन आने का ज्यादा संभावना है ना। अब ये क्या होता है, हमारा रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, मीन फ्री पाथ अपॉन VRMS है ना, और VD की वैल्यू कितनी होती है, एटाउ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और A की वैल्यू होती है QE अपॉन M, लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो E की वैल्यू क्या होगी, VYL, यही बताया ना, बार बार हर जगह यूज करेंगे VYL, तो ये हो जाएगा हमारा E V टाउ अपॉन ML। J की वैल्यू क्या होता है, I बाई A, ये करेंट डेंसिटी है, ये I की वैल्यू कितनी होती है, NEA VD अपॉन A, A से A कट जाएगा तो ये NEVD आ जाएगा, है ना। ये हमारा रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी क्या होता है, ई अपॉन जे, इसको लिखते हैं रजिस्टिविटी को रेसिप्रोकल, किसकी, कंडक्टिविटी कहते हैं, 1/σ, तो जे की वैल्यू देखो इस क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो जे इक्वल टू सिग्मा ई आ जाएगा, मेरी बात समझे। मोबिलिटी पे भी क्वेश्चन आ चुका है डायरेक्ट, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू रखेंगे तो ई टाउ अपॉन एम आएगा, क्या आएगा, ई टाउ अपॉन एम, V इक्वल टू आई इंटू आर, ये तो सबको पता है। आर की वैल्यू कितनी होती है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है, रजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसे भी तो लिखते हैं रो एल अपॉन ए, और ये रो को क्या लिख सकते हैं, 1/σ, ये कंडक्टिविटी है, ये रेजिस्टिविटी है, तो एल अपॉन सिग्मा ए, रो की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। इस पे 2021 में क्वेश्चन पूछा है, मतलब लगभग हर साल मैचिंग के क्वेश्चन पूछ देते हैं, फॉर्मूला दिया रहता सिर्फ मैच कराना रहता है, तो फॉर्मूला कहीं आप रिटेन जरूर कर ले, है ना। टाउ की देखो, अभी जो क्वेश्चन आया था, जो टाउ सबसे पहले मैच करवाया होगा, समझ लीजिए उसका काम ऐसे ही हो गया होगा, तो ये क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, किसी के दिमाग ही नहीं आया होगा कि इस फॉर्मूले से टाउ निकालना, अक्सर फॉर्मूला लोग ये ढूंढ रहे होंगे, वो ऑप्शन में था ही नहीं, है ना। टाउ इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर रो, ठीक है, ये रजिस्टिविटी का फॉर्मूला टेम्परेचर के साथ, रजिस्टेंस का फॉर्मूला टेम्परेचर के साथ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे निकालते हैं, R1 + R2, और पैरेलल में 1/R1 + 1/R2 करते हैं, बेसिक फंडामेंटल सारे नोट कर दिया होंगे, क्लियर है। अब देखिए ये कलर कोडेड रेजिस्टेंस है, इसका मैंने ये फॉर्मूला बना रखा हूं, इस फॉर्मूले को याद रखे रहिएगा, ये ए बी सी डी होता है, R इक्वल टू ए बी इंटू 10 की पावर C + -D, इसको याद करने का सिंपल तरीका है, ये मैंने लिखा हूं बी बी रोए ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, बी बी रोए ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिया हूं, बुक के हिसाब से नहीं लिखा हूं मैं, अपने हिसाब से लिख दिया हूं। अब याद करने के लिए मैंने क्या बोला हूं, बी कितनी जगह है, 3 जगह है, तो बी को बस याद करो, ये होगा ब्लैक ब्राउन ग्रीन, ब्लैक ब्राउन और ब्लू, जी कितनी जगह है, 2 जगह, तो ग्रीन ग्रे, तो पहले ग्रीन आएगा उसके बाद ग्रे आएगा। अब बताओ आर को याद करने की जरूरत क्या, आर का मतलब क्या होता है, रेड, अब बताओ ओ मतलब ऑरेंज, वाई मतलब येलो, ये सब याद करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है ना, वॉयलेट है ना, ये व्हाइट, ये सब तो ऐसे ही हो जाएगा। अब देखो गोल्ड में ये जो डी लिखते हैं, जो ए बी सी है, ए बी सी फॉर्मूला जो बना रहा हूं इसमें से लीजिएगा, और जो डी है वो इसमें से लीजिएगा। गोल्ड जो है 5% होता है, सिल्वर 10% और नो कलर 20% होता है। सिंपल क्वेश्चन आता है, कभी रेजिस्टेंस दिया रहता है उसका कलर पूछता है, और कभी ये रेजिस्टेंस दिया रहता है, तो कभी ये इस तरह से फिगर दिया रहेगा, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू नोट करनी रहती है सिंपल तरीके से, है ना। अब देखो अगर मैं क्यूब की बात करूं, रेजिस्टेंस सब भी, इसमें भी रेजिस्टेंस है, इसमें भी रेजिस्टेंस है, इसमें भी रेजिस्टेंस है, इसमें भी, मतलब हर एक इसके में रेजिस्टेंस भरा हुआ है, यहां भी हर जगह भरा है। अगर डायगोनल यहां क्यूब के एक्रॉस अगर निकालेंगे तो 5/6R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। अगर फेस, फेस का मतलब क्या होता है, ये फेस है, इस फेस के डायगोनल के एक्रॉस निकालेंगे तो 3/4R आएगा।
अगर मैं साइड यहां और यहां ए से ए माने इसे बी माने तो निकालेंगे तो 7/12 आ जाएगा। ये कभी पूछता नहीं है, मैं इसलिए लिख दिया हूं बाय चांस पूछ दे तो देखो बहुत सारे जगह ट्रिक बताया जाता है, सारे बच्चे देख के टिक करते, आप भी देख के टिक कर दो, याद कर लेना भैया है। अब देखो ईएमएफ जो होता है इसको ई लिख सकते हैं या कैपिटल ई भी लिख सकते हैं, जैसा आप रीड किए होंगे, ई इक्वल टू वी माइनस आई आर, ठीक है। तो यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरीके से, समझ गए। ये जंक्शन रूल है, मतलब नेट करंट एट अ फिक्स्ड पॉइंट इक्वल टू जीरो। तो ये देखो ये जो दोनों साइड से आ रहा है उसको एक साइड कर लो और ये दोनों बाहर जा रहा तो उसको माइनस कर लो। तो अक्सर ऐसे ना याद करो, आई वन प्लस आई टू इक्वल टू आई थ्री प्लस आई फोर याद रखा करो। तो मैंने इस लिख दिया हूँ क्योंकि थ्योरी में लिखा है इस तरीके से, मतलब एक साइड जो आ रहा है, जो आ रहा है उसको एक साइड लिख लेना, जो निकल रहा होगा दूसरी साइड कर देना, बीच में इक्वल लगा देना, है ना। इसी तरह इसमें भी लिखने का मैंने तरीका बताया हूँ, इसमें ई वन ग्रेटर देन ई टू माना हो, है ना, यानी ई वन माइनस ई टू इधर कर लेना और यहाँ से लूप मान रहे हो, इधर करंट जा रहा है, इधर जाएगा तो आई वन इंटू आर प्लस में करना, हमको जाना इधर है और करंट इधर आ रहा है तो माइनस आई टू इंटू आर टू कर देना। दूसरे वाले लूप में एक ही सेल है, ई टू लिख दिया, हमको आना इधर है, करंट भी इधर ही आ रहा है तो आई टू इंटू आर टू, जाना हमको इधर है और करंट भी इधर ही जा रहा है तो प्लस आई वन प्लस आई टू इंटू आर थ्री। इस तरीके से आप किरचॉफ लगा मतलब किरचॉफ लॉ यूज करके भी क्वेश्चन जो भी आएगा कर सकते हैं, है ना। इसके आगे मैंने ये व्हीटस्टोन ब्रिज लेके आया हूँ। व्हीटस्टोन ब्रिज पे क्या होता है, ये P है और ये हमारा Q है, इसको R माना हूँ, इसको S माना हूँ, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन होता है। अगर ये फॉलो करेगा तो इसमें कोई करेंट नहीं जाएगा, इसमें कोई करेंट नहीं जाएगा, IG जीरो होगा। तो अगर इसमें कोई रेजिस्टेंस है तो उसे इनइफेक्टिव मानेंगे और सिंपली हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना। तो अगर इसमें 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम जो भी दिया है अगर, लेकिन ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो इसमें कोई करेंट नहीं जाएगा तो सिंपली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये देखिए क्या होता है, हमारा एक रेजिस्टेंस यहां फिलअप करते हैं, एक यहां और यहाँ गैल्वेनोमीटर से इस पे कनेक्ट करते हैं तो बैलेंसिंग पॉइंट इधर से L1 मिलता है और ये डिस्टेंस L2 हो जाता है। ये भी हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है, तो R अपॉन L इक्वल टू L1 अपॉन L2 सिंपली लगा देते हैं। पोटेंशियोमीटर जो होता है वो V इक्वल टू KL पे काम करता है, K को बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप्स पर यूनिट लेंथ, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। इसमें अगर हमने दो सेल लेंगे और दोनों का बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे तो अगर आएगा तो E1 upon E2 equal to L1 upon L2। इंटरनल रेजिस्टेंस का भी पूछता है तो E upon V equal to क्या हो जाएगा, L1 upon L2, और ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ये क्वेश्चन में वैल्यू दिया रहता है, इस पे तो क्वेश्चन नीट 2021 में भी आया है, काफी इस पे क्वेश्चन आ चुका है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, W equal to VQ हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया V equal to W by Q, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, Q की वैल्यू IT रख दिया है तो वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर अपॉन आर टी। अगर किलो वॉट आवर को कन्वर्ट करेंगे तो 100 वॉट इंटू, ये सेकंड में लिख दिया हूँ, यानी ई का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, पी इंटू टी। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है 2022 में आ चुका है, यहाँ बस 100 किलो वॉट दिया था, ये 1 आवर दिया था, सिंपल क्वेश्चन। देखिए सोचो ऐसे आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है, तो इस फॉर्मूले में टी सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, पी इक्वल टू क्या होगा, वी आई, आई स्क्वायर आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर आएगा। ये ध्यान रखे रहिएगा, टेस्ला जो होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, इसको लिखते हैं न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। 1 गॉस जो होता है 10^-4 टेस्ला होता है। कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गॉस में देगा तो आप फॉर्मूले में नहीं रख सकते हैं जब तक उसको SI यूनिट में कन्वर्ट ना करें, है ना। अगर हम बात करें बायो सेवर्ट लॉ का तो ये म्यू नॉट अपॉन 4π IDL क्रॉस R अपॉन R की पावर 3 होता है, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में ऊपर लिखा हूं मैं, अगर इसको डीएल क्रॉस को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एल आर साइन थीटा, तो एक आर ऊपर नीचे से कट जाएगा तो नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा। अक्सर आप ये याद किए होंगे बी बायो सेवर्ट लॉ, म्यू नॉट अपॉन 4π IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये भी सही है, लेकिन मैंने ऊपर वेक्टर फॉर्म में लिखा हूं, उसका भी बेसिक नीड पड़ता है हमको, है ना। अब देखो अगर कोई वायर है इतना छोटा सा, इसका लेंथ मुझे डेफिनेट पता है, मतलब इनफाइनाइट लेंथ का नहीं है, तो यहां से एंगल फाई वन बना रहा है, यहां फाई टू, तो करंट आई की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो मैंने बताया था इसको हम करंट की डायरेक्शन में करेंगे और हाथ को ऐसे फोल्ड करते हैं तो यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनसाइड होगा। तो बी की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4π r साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, ठीक है। इसी का यूज करके अगर इनफाइनाइट कर दे तो ये फाई वन और फाई टू दोनों 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90, साइन 90 कितना होगा 1+1 2, तो ये 2 कट जाएगा, ये तो 4 कट जाएगा, तो 2 से तो कितना आएगा 2π r। लेकिन आप लर्न करके जाओ, कोई फाइनाइट वायर है करंट कैरिंग तो बी की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2π r होता है। लेकिन अगर मैं इस एंड के यहां पर निकाले
तो देखो एक ऊपर वाला हमारा एंगल phi 2 तो 90 हो गया, लेकिन phi 1 कितना हो गया 0, ये ऐसे था ऐसे हो गया, तो यहाँ नीचे वाला एंगल कितना हो गया 0, तो साइन ये एक 0 हो गया, एक साइन 90, साइन 90 केवल 1 होती है और साइन 0 0, तो यहाँ पर कोई कटेगा नहीं, इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो ये आ गया हमारा म्यू नोट आई अपॉन 4πr। ये दोनों हम कह रहे हैं लर्न कर लो फिलहाल, अगर इस रोड के इस एंड पे निकालते हैं तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πr होता है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से आर डिस्टेंस से निकालते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 2πr होता है, ये यूज होता है, ये यूज हो चाहे ना, लेकिन ये दोनों नीट में जबरदस्त यूज होगा। अब देखो मैंने एक आर्क टाइप का निकाल दिया हूं, ये थीटा एंगल पे, तो बी की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू थीटा होगा, करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो इधर हाथ करेंगे ऐसे और इसको फोल्ड करेंगे, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अंदर की ओर जाएगा क्रॉस करेंगे, यही करंट का डायरेक्शन इधर होता तो हाथ को ऐसे करते इधर करंट की ओर करते और इधर ऐसे फोल्ड करते तो आउटसाइड होता है ना, तो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट रोल करता है मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, कभी दो कट वायर का जोड़ के निकालने के लिए पूछ देता है ना। अब देखो थीटा की वैल्यू अगर मैं सर्किल बना लूं तो कितना हो जाएगा 2πi, 2πi रखो तो इतना आएगा, लेकिन मैं निकाला हूं आप याद करके जाएगा, कोई करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल है उसके सेंटर पे म्यू नॉट आई अपॉन 2R होता है एक क्वाइल के लिए, दो क्वाइल होगा तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन क्वाइल होगा तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ ये एम्फियर सर्किट लॉ क्या होता है, बी डॉट डी एल क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, इसका भी यूज कर सकते हैं, ये सारे डेरिवेशन इसी फंडे से ईजिली आता है। अगर मैं किसी वायर को ले और वायर के अंदर और बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो इस तरीके से आता है फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2πr स्क्वायर है, और मैग्नेटिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ क्या होगा, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर आ रहा है और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, तो अंदर स्ट्रेट लाइन बनेगा फिर इस तरीके से बनेगा, तो ये ग्राफ बहुत बार पूछ चुका है पता, इस पर भी क्वेश्चन हर साल आ जाता है, ये सोलोनाइड से सोलोनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4πi की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁷ न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, ध्यान रखे रहिएगा, एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है, मैंने वेक्टर फॉर्म में नोट किया हूं, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में नोट किया हूं। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंके वर्टिकली तो वो सर्कुलर पाथ बना लेता है, जो सर्किल का रेडियस होता है r इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, और जो एक चक्कर में टाइम लगता है t इक्वल टू 2πi m अपॉन क्यू बी होता है। अब किसी एंगल पर अगर फेंकते हैं तो सर्किल भी बनाएगा और आगे भी बढ़ेगा है ना, तो r की वैल्यू कितनी होगी हमारा m v sin थीटा अपॉन क्यू बी, और टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है t इक्वल टू 2πi m अपॉन क्यू बी, ध्यान रखे रहेगा, लेकिन ये आगे भी बढ़ रहा है, जितना आगे बढ़ता है उसको पिच बोलते हैं, ये आएगा t इक्वल टू t मतलब टाइम ये 2πi m अपॉन क्यू बी और v cos थीटा, v cos थीटा से आगे जा रहा है ना। अब ये देखो ये लॉरेंज फोर्स कैसे लिखते हैं, q वेक्टर e q v क्रॉस b, अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो जाए तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आएगी e by v, इसको बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर, अगर e by v की वेलोसिटी वैल्यू से फेंकते हैं तो उस चार्ज में डिफ्लेक्शन नहीं होगा, स्ट्रेट पाथ में सीधे चला जाता है ना। ये मास की वैल्यू मैंने ऐसे लिख दिया हूं, कभी कभी किसी को पता नहीं होता, ये रेस्ट मास होता है, ये मूविंग मास होता है, ये 1-v² / c होता है। अगर कोई करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर फोर्स लगता है कितना, F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है, दो करंट कैरिंग वायर है, दो करंट कैरिंग वायर है जैसे यहां पर मैंने बनाया हूं, तो उसके दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाता है म्यू नॉट अपॉन 2πi आई वन आई टू अपॉन आर, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट करेंगे, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपेल करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एन आई ए, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, अगर एक ही टर्न्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m इक्वल टू आई इंटू ए, जैसे एक क्वाइल ले लो तो आई इंटू ए, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है n आई ए बी साइन थीटा, n आई ए बी n आई ए को m बोलते हैं तो m बी साइन थीटा, तो इसको वेक्टर में लिखेंगे तो टाउ क्या हो जाएगा m क्रॉस b, m क्या है मैग्नेटिक मोमेंट है ना। अब देखिए इसमें क्या है हमारा, ये गैल्वेनोमीटर में एक चीज पढ़े होंगे आप, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, करेंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये थीटा अपॉन आई होता है और ये थीटा अपॉन वी होता है, ये एन बी के एन बी ए अपॉन के होता है, ये एन बी ए अपॉन के आर होता है, ये ध्यान रखे रहिएगा। इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होने वाला है, गैल्वेनोमीटर को अगर हम एमीटर में कन्वर्ट करें तो एक संट को पैरेलल में, लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में ऐड कर देते हैं, उसको संट बोलते हैं, और पैरेलल में ऊपर नीचे का वोल्टेज सेम होगा तो आई माइनस आई जी ऊपर जाएगा, आई जी इंटू वी इक्वल होगा। मैं तो इसका स्पेशल फॉर्मूला नहीं याद करवाता हूँ, डायरेक्टली इसी का यूज करके जो वैल्यू दिया है यहीं पुट कर दो, जो पूछा हो निकाल लो। अगर इसे हमें वोल्टमीटर बनाना है गैल्वेनोमीटर को, तो इस यहाँ संट का नाम आर ले लिया हूँ, इसको हम सीरीज में जोड़ते हैं और हाई होता है,
लो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ेंगे तो एमीटर होगा, और हाई रेजिस्टेंस अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो हमारा वोल्टमीटर होगा, है ना। ये जैसे कोई मैग्नेट है तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और यहाँ से एंट्री करती है, लूप भी बना सकता है, लूप भी बना सकता है। यू की वैल्यू क्या होता है, माइनस एम बी कोस थीटा डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अगर हम मैग्नेट को अगर मैं ऐसे स्ट्रिंग लगा के सस्पेंड कर दें मैग्नेटिक फील्ड में तो ये क्या करने लगता है, ऑसिलेट करने लगता है। तो इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। आई क्या है, उस रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्सिया, क्योंकि वो जो बार मैग्नेट है रॉड की तरह काम करेगा, है ना। ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इसके ये कंपोनेंट है, इस पर बहुत क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन आना होगा तो इसी पे आता है। अगर मैं वर्टिकल की बात करूं, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो बी साइन डेल्टा होगा, ये एंगल ऑफ डिप है, और एच की वैल्यू बी कॉस डेल्टा होगा। अगर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दे तो इस तरह से फॉर्मूला बनेगा, और टेन डेल्टा की वैल्यू वी अपॉन एच होता है ना। ये क्या है, एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप का मतलब क्या है, आप किसी कैंपास को अब अर्थ के किसी भी सरफेस पे ले जाते हैं तो ये इस तरीके से होता है, ये ऐसे जा रहा है तो ऐसे ऐसे होता है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाता है, मुड़ता है, उसके बाद वहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे तो ये हल्का सा झुक जाता है, हल्का सा जो झुकता है उसे एंगल ऑफ डिप बोलते हैं, और जो हमारा डायरेक्शन चेंज होता है एंगल उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तो मैक्सिमम चांसेज है एंगल ऑफ डिप, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है, सिंपल फॉर्मूले क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब इसमें देखिए मैग्नेटिक परमिबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है बी अपॉन एच, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला बी अपॉन एच, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम अपॉन वी, वी यहाँ पर वैल्यू है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी साई एम इक्वल टू आई अपॉन एच, और यहाँ जो रिलेशन दिया म्यू इक्वल टू म्यू नॉट वन प्लस साई एम, इस पे तो क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, डायरेक्टली वैल्यू रखना है। और क्यूरी लॉ क्या होता है, साई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये करता क्या है, ये एक ऐसे टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्यूरी लॉ, ठीक है, सिंपल है ना। तो इसमें क्यूरी लॉ बस ये याद रखिए ना कि क्यूरी लॉ में जो साई एम होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, अगर डायरेक्टली टू द पॉइंट या स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते टिक करके आगे बढ़ सकते हैं ना। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, और फेराडे ने क्या बताया, इक्वल टू माइनस माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई चार्ज निकालेंगे तो डेल्टा क्यू अपॉन फाई आएगा। फिलहाल ये और ये लर्न करने की जरूरत है, अगर किसी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे लीनियर मोशन करा दे तो उस इंड के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, वो था वी बी एल, वी स्पीड है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, एल उस रॉड का लेंथ है। लेकिन उसी रॉड को इस एंड को पकड़ो और इस तरीके से रोटेट करा दो तो इसमें इंड्यूस ई में प्रोड्यूस होता है वन बाई टू वी ओमेगा एल स्क्वायर। ये ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, जिस एंगुलर वेलोसिटी से इसको रोटेट कर रहे हैं। लेकिन इसी रॉड को यहां से पकड़ के अगर ऐसे रोटेट करा दे तो इस इंड के अबाउट इंड्यूस ईएमएफ जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना इधर प्लस में डेवलप होगा उतना इधर माइनस में डेवलप होगा। तीन पॉइंट बताए, इस तीन पॉइंट से डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। मैंने क्या बताया, रॉड को सीधे मूव कराएंगे तो वी बी एल, एक इंड के अबाउट रोटेट कराएंगे तो वन बाई टू बी ओमेगा एल स्क्वायर। लेकिन अगर इस रॉड को मिड पॉइंट से इस तरह से रोटेट कराएंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो इंड्यूस ईएमएफ जो डेवलप होगा वो जीरो होगा, ध्यान रखिएगा। एक सेल्फ इंडक्टेंस पढ़े हैं, एक हम लोग म्यूचुअल इंडक्स। सेल्फ इंडक्टेंस में फाई एल आई क्या होता है, एल आई के बराबर होता है, एल कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है। फेराडे लॉ से डिराइव करेंगे तो ई की वैल्यू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस में फाई एम आई के बराबर होता है तो इसे बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एम डी आई वन अपॉन डी टी। आई वन इसलिए लिख दिया हूं क्योंकि पहले वाले क्वायल की करंट की वजह से पड़ोस वाले में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें अब देखेंगे क्या करेंगे, ई इक्वल टू आप पढ़े होंगे एसी में ई नॉट साइन ओमेगा टी, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। जो आई नॉट होता है वो एम्पलीट्यूड होता है, पीक वैल्यू ऑफ करंट होता है। वी नॉट क्या होता है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज होता है। ई नॉट पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ होता है, ठीक है। इसको मैंने डिराइव नहीं किया हूँ, डायरेक्ट लिख दिया हूँ। अगर आई नॉट निकालना होगा तो ई नॉट अपॉन आर हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा अपॉन आर। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, देख रहे जो भी फंडामेंटल्स यूज हो रहे हैं मैक्सिमम कोशिश किया हूँ, सब कुछ रिटेन है, आप सिर्फ देख लीजिए एक बार। वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, वी आर एम एस क्या होता है, वी नॉट अपॉन रूट टू, आई आर एम एस होता है आई नॉट अपॉन रूट टू, ये भी पूछ चुका है। ये कह रहा था आई नॉट वी आर एम एस का कितना टाइम्स होता है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ जाएगा, तो रूट टू टाइम्स होता है। लोगों को लगा होगा वन बाई रूट टू टाइम, टिक करके चले आए होंगे क्योंकि वो आई नॉट पूछा था, आई आर एम एस नहीं पूछा था। क्वेश्चन को थोड़ा सा केयरफुली पढ़िएगा एग्जाम में, है ना। एक्स एल क्या होता है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, ये ओमेगा एल होता है। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, टू पाई एफ इंटू एल। एक्स एल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का, तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा।
अगर डीसी के लिए बताएं तो डीसी के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जीरो, तो एक्सएल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना। अगर मैं ये किसके लिए निकालूं, एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो वन अपॉन ओमेगा सी होता, ओमेगा की वैल्यू टू पाई एफ इन टू सी होगा, और डीसी के लिए एक्स सी इनफाइनाइट होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी जीरो होगा, तो वन अपॉन जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट। तो इसका ग्राफ जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इस तरीके से बनता है। तो हो सकता है इसका ग्राफ पूछ ले, नहीं तो वैल्यू पूछ ले। अगर किसी सर्किट का एवरेज पावर निकालेंगे तो वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा को पावर फैक्टर बोलते हैं, ये होता आर बाई जेड, और वी आर एम एस और आई आर एम एस मैंने यहाँ बता दिया हूँ, वी नॉट अपॉन रूट टू, आई नॉट अपॉन रूट टू। सिंपली इस वैल्यू को रख के आई नॉट और वी नॉट के टर्म में भी फॉर्मूले को लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, अगर प्योर रेजिस्टेंस होगा सर्किट में, प्योर रेजिस्टेंस इस तरीके से बना होगा, इस तरीके से सर्किट बनाते हैं और यहाँ पर वोल्टेज लगाते हैं, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, मेरी बात समझ रहे हो। तो इसके बारे में मैंने बताया नहीं, इसमें फेजर थीटा की वैल्यू जीरो है, यानी जिधर V है उधर ही I है, इसमें फेज डिफरेंस जीरो है। अगर बात करें इंडक्टेंस का, तो इंडक्टेंस में ये क्या होता है, फेज डिफरेंस पाई बाई टू होता है, यानी आई क्या कर रहा है, लैग कर रहा है पाई बाई टू से, किसको, वी को, इसके उल्टा भी रीड कर सकते हैं। कैपेसिटेंस, प्योर कैपेसिटेंस में आएंगे तो ये इसका है प्लस पाई बाई टू है, तो आई लीड कर रहा है पाई बाई टू से, किसको, वी को लीड कर रहा है, मतलब आगे चल रहा है ना। अगर मैं तीनों का इकट्ठा यहां बना दिया हूं, वी आर और आई सेम डायरेक्शन में होता है, वी एल ऊपर होता है, वी सी नीचे होता है, ठीक है। अगर वी एल ज्यादा होगा तो वी एल माइनस वी सी ऊपर आएगा, वी आर नीचे आएगा। इसका अगर हमने सिंपली अगर लगाएंगे वी आर एम एस, सिंपली इसको वी बुक में लिखा होगा वही वी आर एम एस होता, कंफ्यूज नहीं होइएगा। रूट वी आर स्क्वायर और ब्रैकेट में वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला याद रखे रहिएगा। वी आर एम एस की वैल्यू क्या होती है, आई आर एम एस इंटू जेड, जेड को इंपीडेंस बोलते हैं, इंपीडेंस डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं। रेजोनेंस कब ऑकर करता है, जब एक्सएल एक्सी के बराबर होता है, तो ओमेगा एल इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी होता है, ओमेगा की वैल्यू अपॉन रूट एल सी होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा। ओमेगा को अगर एफ के टर्म में करता हो तो ओमेगा की वैल्यू कितनी थी, टू पाई एफ, तो टू पाई उधर जाता, तो एफ की वैल्यू वन अपॉन टू पाई रूट एल सी होता है, ध्यान रखे रहिएगा। अगर मैं बात करूं इसमें, देखो ये डायग्राम हो सकता है पूछ ले फ्रीक्वेंसी और इंपीडेंस का। फ्रीक्वेंसी अगर हमारा रेजोनेंस होता है तो इंपीडेंस हमारा मिनिमम होता है, तो करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, करंट क्या होता है, मैक्सिमम। इस तरीके से ग्राफ बनता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला है। एक क्वालिटी फैक्टर डायरेक्टली पूछ सकता है इस फॉर्मूले पे, इनपुट फ्रीक्वेंसी और इक्वल टू आउटपुट फ्रीक्वेंसी, तो ट्रांसफार्मर में यानी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो प्राइमरी एक होता है क्वाइल, एक सेकेंडरी होता है, तो आई पी इंटू वी पी आई एस इंटू वी पी पावर कर दिया हूं, इस पे भी क्वेश्चन पूछ चुका है। एफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100 आ गया सिंपल। सी तो स्पीड ऑफ लाइट ई नॉट अपॉन बी नॉट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकते हैं, बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकते हैं। प्रोपोगेशन, एक बार ध्यान रखिए लिखते समय कि ई और बी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और जिधर वेव प्रोपोगेट होती है वो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ई क्रॉस बी हमको क्या बताया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, प्रोपोगेशन का डायरेक्शन बताता है। ये ध्यान रखे रहिएगा, ये नीचे आते समय इसकी वेवलेंथ डिक्रीज होती है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेडियो की, है ना। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाइट वेव, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। इसको याद करने का सबसे तरीका है रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची, आई लव यू, एक्सरे गन, ऐसे लिख के याद कर सकते हैं। ये भी 22 में भी क्वेश्चन पूछा था, बहुत सिंपल, वैल्यू कोई नहीं याद करना चाहता ना कोई भी बच्चा, तो चार जितने ऑप्शन रहेगा एक साइंस से अरेंज कर लेना, ठीक है। सबसे ज्यादा इसका होता है, उसके बाद इसका होता है, तो वैल्यू नोट करके टिक कर सकते हो कि किसकी ज्यादा किसकी कम है। मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल है ना। अब देखिए, अगर मैं रे ऑप्टिक्स में आया, इसमें भी जितने कॉन्सेप्ट यूज होते हैं मैंने उसको बता दिया। अच्छा, प्लेन मिरर में जितनी दूरी ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी इमेज बनता है। कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे ये 90 डिग्री का मैंने ले लिया हूं, अब इसमें पूछे यहां ऑब्जेक्ट रखे हैं इमेज कितने बनेंगे, 360 अपॉन 90, तो ये कितने आए, 4। इवन आया तो एक घटा दिया, अगर ऑड आता तो कुछ भी चेंज नहीं करते, इसलिए मैंने एग्जांपल से बता रहा हूं, है। अब देखिए, प्लेन मिरर में जो इंसिडेंट लाइट रे है, ठीक है, ये ऐसे जा रही है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो अगर हम मिरर को थीटा डिग्री रोटेट करा दे तो रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल रोटेट हो जाता है, 2 थीटा। इस पर जैसे ये क्वेश्चन पूछा था नीट 2017 में, इस यहां से लाइट ऐसे थी मिरर और ऐसे लाइटें आ रही थी, मिरर को रोटेट कर दिया थीटा, तो ये कह रहा है कि ये कितना रोटेट हो जाएगा, 2 थीटा। तो इसमें एंगल पूछा था, इसको एक्स दिया था, वाई डायरेक्टली सिंपल लगाना था, पेपर जाके देख लेना।
अब देखो ये भी पूछता है कि अगर ये भी नीट का ही क्वेश्चन है, एक आदमी 6 फीट तक का कह रहा कि मिरर कितना बड़ा ले कि फुल इमेज दिखे, तो एच इक्वल टू हाफ कर देंगे 6/2 तो 3 फीट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 फीट आंसर आ जाएगा। ये फंडामेंटल जो क्वेश्चन आते हैं जिस तरीके के आते हैं मैं उसके बारे में भी बता रहा हूं, है ना। अब देखिए ये सबको पता है कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, पावर निकालते हैं तो 1/f, इसको मीटर में लिखते हैं ये डायोप्टर में आएगा, मिरर का फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। बहुत सारे बच्चे साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज ना हुआ करो, इधर के डिस्टेंस नेगेटिव होता है तो ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव, तो इस पर फोकल लेंथ नेगेटिव होगा क्योंकि फोकल लेंथ इधर होगा। ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इस इधर नेगेटिव होता है इधर पॉजिटिव, तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, ध्यान रखिए रहेगा। मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन I/O इक्वल टू -V/U होता है, अगर U नेगेटिव रखेंगे V पॉजिटिव तो M पॉजिटिव आएगा तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, अगर U नेगेटिव करेंगे V नेगेटिव करेंगे तो M की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, तो रियल और इन्वर्टेड बनेगा, जब रियल बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा और वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट बनेगा। और बड़ा और छोटा कैसे डिसाइड करेंगे, M की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो लार्ज बनेगा, M की लेस देन 1 तो स्मॉल बनेगा, क्योंकि I/O है तो I/O ग्रेटर देन 1 तो I > O यानी इमेज बड़ा है किससे, ऑब्जेक्ट से, सिंपल। स्नेल्स लॉ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, साइन I/sin R इक्वल टू N2/N1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं N2/1, म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, C/V होता है, वाटर का होता है 4/3 1.33, ग्लास का 3/2 1.5, कभी हो सकता है ना दे तो याद करके जाए, है ना। अब देखिए ये इस तरीके भी क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पर कोई क्वाइन रखा गया है तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, इमेज यहाँ बन रहा है तो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो AO/AI, AO ये जो है ये है रियल डेप्थ, ये है एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ये कितना ऊपर शिफ्ट हुआ, AO - AI से मैंने डिराइव कर दिया, रियल डेप्थ को टी लिया और ये कितना शिफ्ट हुआ उसको मैंने डी माना, और ये कितना हो गया D=T(1 - 1/μI), सिंपल तरीके। इस पे भी क्वेश्चन आए तो आप इजिली रख के कर सकते हैं। एक होता है क्रिटिकल एंगल का, जिस एंगल पे ये लाइट रे इसको टच करके जाने लगे, यानी इधर 90 डिग्री अगर हमारा बना ले, ये डेंसर मीडियम और इधर रेयर मीडियम कंपलसरी होना चाहिए, तो साइन सी की वैल्यू 1/μ होगा क्योंकि इधर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है। इस तरीके से दो टाइप का कर्व सरफेस है, जैसे इस तरीके का सरफेस बन सकता है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इधर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N1 है, इधर का N2 है, इसका फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, रिफ्रेक्शन फॉर्मूला N2/V -N1/U इक्वल टू N2 - N1/R, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट, इधर का निगेटिव और इधर का डिस्टेंस पॉजिटिव, सिंपल तरीके से यूज कर सकते हैं। लेंस पे आएंगे तो ये कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, इसका निगेटिव होता है, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये डाइवर्जिंग लेंस है। लेंस का फॉर्मूला 1/V - 1/U इक्वल टू 1/F होता है। लेंस मेकर फॉर्मूला इसको भी बहुत यूज करते हैं, 1/F इक्वल टू μ - 1/R1 - 1/R2, ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है। पावर लेंस का निकालते हैं तो P = 1/m होता है, ये मीटर में होना चाहिए तो ये डायप्टर में आएगा, मीटर में ही फोकल लेंथ को रखिएगा, ये ध्यान रखे रहिएगा, क्लियर है। जब कोई इस तरीके का लेंस हो और यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, पूछ रहा है इमेज कहाँ बनेगा, तो पहले इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लीजिएगा, 1/F1 + 1/F2 आ गया, इक्वल टू लिख सकते हैं 1/V - 1/U। अगर इसकी पावर की बात करेगा तो P = P1 + P2 हो जाएगा, लेकिन यही लेंस को अगर बीच में गैप कर दे तब कैसे निकालिएगा, 1/F1 + 1/F2 - D/F1 - F2, अब इसके इक्वल क्या कर दीजिएगा, 1/V - 1/U, तो डायरेक्टली यू दिया रहता, वी निकालना रहता, पावर के टर्म में कैसे लिखेंगे, P = P1 + P2 - D/P1 - P2, लेकिन पावर निकालते समय क्या ध्यान रखे रहना, फोकल लेंथ को मीटर में रखना है। इसमें भी लीनियर मैग्निफिकेशन निकाला हूं, I/O = V/U, उसमें माइनस था इसमें प्लस था, सेम तरीके से इसमें भी रियल और वर्चुअल और स्मॉल और लार्ज जैसे उसमें बताएं वैसे ही कर लीजिएगा, बहुत कठिन नहीं है। ये क्या है हमारा, ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकालिए यूजिंग डिस्प्लेसमेंट मेथड, कितना डिस्प्लेस किया डी, और दोनों पिन के बीच का गैप कितना था ए, और ये 4a है, ठीक है, तो ये फोकल लेंथ का डायरेक्टली इस पे आता है तो कर सकते हैं। मैक्सिमम चांस अगर बाई चांस पूछे तो O = I1 - I2 हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट का लेंथ है, I1 पहली बार जब इमेज जहां बना उसका लेंथ है, और दोबारा भी वही बनता है, उसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो I1 - I2 लगा सकते हैं। अच्छा, इसको कट करने के लिए कभी कभी पूछ लेता है, अगर बीच से इस तरीके से कट करे तो इसका फोकल लेंथ 2f हो जाएगा, अगर यहां से कट कर दे तो ऊपर ff हो जाएगा, ये ध्यान रखे रहिएगा। ये प्रिज्म का है, प्रिज्म में ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रेक्टेड रे है, और ये क्या है हमारा इमर्जेंट रे है, इसका ग्राफ बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। एंगल ऑफ यहाँ जो डेविएशन देख रहे हो, जाना चाहिए था ऐसे, चली गई ऐसे, तो इसे एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम कब होगा, ठीक है, मिनिमम कब होगा, जब I1 I2 के बराबर हो जाए, R1 R2 के बराबर हो जाएगा, तो डेल्टा
डेल्टा एम के बराबर हो जाएगा। इसका ग्राफ ऐसे पूछता है, ग्राफ पूछ चुका है बहुत बार नीट में, है ना। इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर हम प्रिज्म का निकालते हैं तो साइन ये है साइन, ठीक है, साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। लेकिन ये प्रिज्म बहुत थीन हो जाए 6 डिग्री 7 डिग्री, तो डेल्टा एम इस तरीके से निकालिएगा म्यू माइनस वन इंटू ए, सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, समझ रहे हो। अगर मुझे डिस्पर्सिव पावर निकालना होगा तो ओमेगा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन, ये हमारा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वॉयलेट कलर के लिए, रेड कलर के लिए, येलो कलर को मिड पॉइंट मिड वाला मानता है ना। तो इस तरीके पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन पर बनेगा तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, अगर इनफाइनाइट पे बनेगा तो ये लगाइएगा। और डी की वैल्यू कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग का फॉर्मूला ये लगाइएगा एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन पर जब इमेज बनता है तो, और इसका लेंथ निकालेंगे वीओ प्लस यूई आएगा, अगर इनफाइनाइट पे बनता है तो वीओ अपॉन यूओ डी अपॉन एफई। इस बात को कंफ्यूज नहीं होगा, जब माइक्रोस्कोप यूज करते हैं हम लोग इस तरीके का लेंस इधर लेते हैं और इधर वाला लेंस बढ़ा लेते हैं, तो इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं और इसको आई पीस लेंस बोलते हैं। तो इसका अगर मैं फोकल लेंथ की बात करेंगे तो एफओ यूज करेंगे, इसके डिस्टेंस की बात करेंगे तो यूई, इमेज की बात करेंगे तो वी, इसी तरह इसको यूज करेंगे एफई, इसकी डिस्टेंस यूई और फाइनल इमेज को वीई, ठीक है। इस तरीके से सिंबल यूज करते हैं तो उसमें कंफ्यूज नहीं होगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी होगा लेकिन इधर में उल्टा बनाएंगे, बड़ा वाला लेंस इधर आता था छोटा वाला इधर हो जाता टेलीस्कोप में। ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, ये उसके टेलीस्कोप का लेंथ है, और ये मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला कब है इमेज फॉर्म एट इनफाइनाइट, ये उसके बीच का डिस्टेंस है। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप के लिए लेमडा अपॉन टू म्यू साइन थीटा होता है, लेकिन यही टेलीस्कोप के लिए क्या यूज करते हैं 1.22 लेमडा अपॉन डी, बहुत बार पूछ चुका है। म्यू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, ये कोन एंगल जो होता है उसका एंगल है हमारा, ये लेमडा क्या है हमारा वेवलेंथ, यहाँ भी वेवलेंथ, और ये डी उस लेंस का अपर्चर है, ये एंगल में आएगा सिंपल। अगर मैं लाइट में आए इंटेंसिटी ऑफ वेव वेव में आएंगे तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस पर भी बेस्ड ऑन क्वेश्चन आते हैं, है ना। अगर मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे तो हमारा फेज डिफरेंस इतना होना चाहिए, इसे एन की वैल्यू लिख दिया हूँ, पाथ डिफरेंस इतना होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव में बात करेंगे तो फेज डिफरेंस इतना होना चाहिए, पाथ डिफरेंस इतना होना चाहिए। इसको मैंने कहा था कभी याद नहीं करिएगा अपने ऑफलाइन जितने बच्चे होंगे, एन लेमडा का मतलब समझ रहे हो, जीरो लेमडा, टू लेमडा, थ्री लेमडा, फोर लेमडा, फाइव लेमडा, जीरो और लेमडा के बीच में, अगर जीरो पे हमारा कंस्ट्रक्टिव बन रहा है और लेमडा पे कंस्ट्रक्टिव बन रहा है तो उसके बीच में डिस्ट्रक्टिव बनेगा लेमडा बाई टू पे, अगर लेमडा और टू लेमडा है तो उसके बीच में कितना आएगा थ्री लेमडा बाई टू, वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। बाकी इस वैल्यू से निकाल के भी कर सकते हैं। अब देखिए एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फॉर्मूला, इस पर भी बेस्ड ऑन क्वेश्चन आता है, और वाई डी एसी पे तो बहुत ही क्वेश्चन आता है। ये हमारा डार्क फ्रिंज का अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो एन लेमडा डी अपॉन डी होता है ब्राइट फ्रिंज के लिए, डार्क फ्रिंज के लिए 2n-1 लेमडा डी अपॉन डी आ जाता है। फ्रिंज विद की बात करेंगे तो लेमडा डी अपॉन डी आता है, एंगुलर विद की बात करेंगे तो लेमडा अपॉन स्मॉल डी होता है, ध्यान रखे रहेगा। इस पर बेस्ड ऑन बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और इसमें वाई डी एस ई होता कैसे, इसमें दो स्लिट होते हैं इस तरीके से, ये एस वन होता है ये एस टू होता है, इसके बीच का जो सेपरेशन होता है उसे डी बोलते हैं। यहाँ पर ये इमेज मान लीजिए ऐसे यहाँ पर बनता है और इस वाले इसके बीच के गैप को डी बोलते हैं और ये वाले डिस्टेंस को एक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर ब्राइट फ्रिंज बनेगा तो ये फॉर्मूला, डार्क फ्रिंज बनेगा तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें इंटेंसिटी ऑफ का फॉर्मूला भी कॉस के टर्म में अगर इसको कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। और आई मैक्स फोर आई नॉट होता है, बहुत बार डायरेक्टली पूछ चुका है ना। अगर डिफ्रेक्शन में बात करें तो सिंगल होल की बात होती है, इसमें लीनियर वेद जो है देखो इसमें बीटा इतना आ रहा है, इसमें भी हर जगह वही आएगा, इसमें डी मान रहा हूँ इसमें ए मान रहा हूँ क्योंकि सिंगल स्लिट है, लेमडा डी अपॉन ए, इसमें एक डिफरेंस आ जाता है वाई डी एस ई में और डिफ्रेक्शन में, ये जो सेंटर पे होता है ना वो डबल हो जाता है, टू लेमडा डी अपॉन ए आ जाता है। इस पर भी बेस्ड ऑन सिंपल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, है ना। ये ग्राफ सारे मैंने बता दिया हूँ, ये क्या है इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव, ये क्या है करेंट। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव इंक्रीज करते हैं तो करंट इंक्रीज होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो ये कलेक्टर का प्लेट होता है पॉजिटिव, एक्सपेरिमेंटल है ये नेगेटिव, इसके ग्राफ ऐसे बनते हैं। और आई थ्री ग्रेटर देन आई टू ग्रेटर देन आई वन होता है, आई क्या है फोटो इलेक्ट्रिक करेंट, क्या है अगर मैं इसमें ग्राफ बनाऊंगा इधर पॉजिटिव सेम चीज है और इधर मैं फ्रिक्वेंसी ले रहा हूँ, ये इंटेंसिटी इसकी क्या कर दिया हूँ फिक्स कर दिया हूँ, तो फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होता है, क्या होता है इंक्रीज होता है। इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं चेंज हो रहा है, वी नॉट सेम है यही,
क्यों? क्योंकि ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए हम एक बात कह रहा हूँ, ये प्लेट मान लीजिए निगेटिव है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुँचाना है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुँचाना है और यहाँ निगेटिव की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया हूँ ताकि ये यहाँ पहुँच नहीं पा रहा, तो 10,000 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ दिया आने के लिए, लेकिन किसी के पास एनर्जी इतनी नहीं है कि यहाँ पहुँच सके, तो चाहे 10,000 इलेक्ट्रॉन को आप ड्रॉप कर दें, यहाँ नहीं पहुँचेगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर डिपेंड कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी चेंज कर दे इलेक्ट्रॉन का, एच न्यू, इसकी एनर्जी बढ़ा दे, ज़्यादा ताकतवर भेज दे, तो वो पहुँच जाएगा। तो जब फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, ध्यान रखे रहिएगा, है ना। वैसे फिलहाल मैंने यहां बनाने का प्रयास भी किया हूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी, है ना, ये क्या है हमारा थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी फ्रीक्वेंसी के आगे ग्राफ बनेगा, पीछे नहीं बनेगा, क्योंकि इसके आगे ही हमारा इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, उसके पहले इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। और ये वी नॉट जो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव पे डिपेंड्स नहीं करता है, ये वी नॉट सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, जो यहाँ बात करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अगर टाइम के बारे में बात करें फोटो इलेक्ट्रिक करंट में, तो ये कुछ समय तक इंक्रीज होता है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। ये देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ही इमिट होगा, उसके पहले नहीं। तो ग्राफ देखो इधर बना है, इधर नहीं बना, इसको टू द पॉइंट नोट कर सकते हैं। मैंने इस ग्राफ के बारे में इसलिए डिस्कस किया, हो सकता है बहुत सारे ग्राफ ही डायरेक्ट पूछ लेते हैं आजकल, है ना। अब देखिए अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो एच न्यू अपॉन सी लिख सकते हैं या एच अपॉन लेमडा लिख सकते हैं, ई की वैल्यू एच न्यू या एच सी बाई लेमडा लिख सकते हैं। अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करेंगे तो एच अपॉन लेमडा होता है या एच अपॉन एम भी लिख सकते हैं, लेमडा की वैल्यू एच अपॉन एम ई भी लिख सकते हैं। अभी यहाँ मैंने लिख दिया हूँ जो इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है इस बार भी आ जाए। और वी की वैल्यू देता कितना है, 100 ऐसे देता है, जो रूट के बाहर डायरेक्टली ईजिली आ जाए। ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये प्रोटोन है, अल्फा पार्टिकल के लिए मैंने लिख दिया हूं, और v की वैल्यू दिया रहेगा डायरेक्ट आंसर, ठीक है। अब वॉल्स में आ जाएंगे तो vr इक्वल y होता है, cs निकालते हैं तो 0.53n2/z होता है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n होता है। और सबसे ज्यादा चांस है इस पे खूब क्वेश्चन पूछता है, e = -13.6z²(n²) इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये बोहर थ्योरी किसके लिए वैलिड है, ओनली वैलिड फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जैसे हाइड्रोजन के लिए वैलिड है, हीलियम के लिए वैलिड तब होगा जो उस पर प्लस लगा देंगे ताकि एक ही इलेक्ट्रॉन बचे, ध्यान रखे रहिएगा। ये न्यूक्लियस का इस पर भी क्वेश्चन आजकल आने लगा, इसका रेशियो का पूछ लेता है, r = r0a^3, 1 AMU मतलब 1 U, इसमें कितनी एनर्जी होती है, 931 MeV होती है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। अल्फा डी के करेंगे तो ऊपर नीचे से एटोमिक नंबर से 2 सबट्रैक्ट करेंगे, एटोमिक मास से 4 सबट्रैक्ट करेंगे, 2He4 लिखा उसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। बीटा प्लस डी के होगा तो नीचे वाले में से एक घटा देंगे, ऊपर कोई चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर +1E0 लिखेंगे और ये एंटी न्यूट्रिनो है। अगर मैं बीटा माइनस डी के करेंगे तो जेड में एक प्लस ऐड कर देंगे और यहाँ -1E+ और एंटी न्यूट्रिनो, सिंपल। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना भैया, नोट कर लेना, बहुत अच्छा टॉपिक है। अब देखिए डिसइंटीग्रेशन में रेडियो एक्टिविटी में, ये इससे इस फॉर्मूले से हम लोग क्या बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन लॉ, इसमें जो है इससे हमने ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं। इस पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन आता है, टी हाफ पे क्वेश्चन आता है हमारा, और ये ध्यान रखिए एन नॉट कब कहते हैं, टी इक्वल टू जीरो है तो उसे एन नॉट बोलते हैं, टी इक्वल टू टी जो होता है उसको एन बोलते हैं, इसको लेमडा को डी के कॉन्स्टेंट बोलते हैं। मीन लाइफ क्या होता है, 1/λ होता है, टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.44 T½ हो जाएगा, एन की वैल्यू क्या होती है, T/T½। इस फॉर्मूले पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यानी ये फॉर्मूला और कहाँ गया ये फॉर्मूला तो लगभग मैंने चुन के ही लाया हूँ, क्या भरोसा किस पे पूछ ले, तो मैं आपका टाइम तो ज़्यादा ले नहीं रहा हूँ, एक बार देख लो, है ना। अब देखो रिएक्टिविटी कैसी होती है, एक्टिविटी dN/dt, r = r0e^-λt, ठीक है। मैक्सिमम चांस जो है इस पे क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखे रहिएगा। अगर मैं सेमी कंडक्टर में आऊँ, ऊपर कंडक्शन बैंड है, नीचे बैलेंस बैंड है, तो इसका बीच का जो गैप होता है उसे एनर्जी गैप बोलते हैं। सिलिकॉन के लिए कितना होता है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब देखिए इसके बीच का गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, 3 इंसुलेटर कम है, तो सेमीकंडक्टर लगभग 0 है, तो उसे मेटल या कंडक्टर बोल सकते हैं, है ना, मतलब बोलते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सी इंप्योरिटी डालते हैं, पेंटावेलेंट, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड सो ऑन। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या बोलते हैं, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, एल्युमिनियम, बोरॉन, ETC, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होल के कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है, एन टाइप में इसमें होल का कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है। और पीएन जंक्शन डायोड इस तरह से बनता है, इसका सिंबल ये पी है, ये एन है। पोटेंशियल वैरियर, इस पे भी क्वेश्चन अभी आया है रिसेंट,
जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है पोटेंशियल बैरियर, और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। ये वैल्यू जरूर नोट कर लेना। जेनर डायोड का सिंबल ऐसा होता है, और ये कैसे कनेक्ट होता है, रिवर्स बायस कनेक्ट होता है, ठीक है, स्टेबलाइजर जो बनाते हैं, ठीक है। ये हैवली डोप्ड होता है। एलईडी कैसे निकालते हैं, ये फॉरवर्ड बायस कनेक्ट करते हैं, जंक्शन पे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है और एनर्जी इमिट होती है इनविजिबल रे। हाफ वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या होता है, एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है ना। तो इस तरह से ये इनपुट सिग्नल है, ये आउटपुट सिग्नल है, इसमें कोई वोल्टेज नहीं, कोई करंट नहीं। फुल वेव रेक्टिफायर में कंप्लीट इस तरीके से आ जाता है ना। तो इसमें इनपुट फ्रीक्वेंसी हाफ वेव रेक्टिफायर का अगर 60 है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी 60 हर्ट होगा। ये क्वेश्चन इस बार 22 में पूछा था, है ना। अब देखिए ट्रांजिस्टर में सिंपल है, ये सिंबल इस दोनों का याद करिएगा। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, एनपीएन, इसको बोलते हैं इमीटर बेस कलेक्टर। ये सबसे बड़ा मतलब ये क्या है, थिक, उसके बाद ये, मैं इस ऐसा फिगर बनाया हूँ याद ना करना पड़े, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, ये उससे थोड़ा सा पतला है। सबसे थिन जो है वो बेस है, मैंने ज़्यादा थिन कर दिया हूँ। ई क्या होता है, हाईली डोप्ड। बी क्या होता है, फीबली मतलब वीकली डोप्ड। और कलेक्टर जो होता है, मॉडरेटेड होता है। तो ये इमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। इसमें करंट अंदर की ओर आता है, ये पीएनपी का है, पीएनपी मतलब पास आओ, एनपीएन मतलब निकलो, तो इसमें करंट बाहर की ओर जाएगा, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है ना। अपने सिलेबस में मैंने जो नीट का देखा हो क्वेश्चन, मैक्सिमम चांसेस है कॉमन इमीटर का आता है। तो एसी करंट गेन लिखेंगे, डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी होता है, चेंज इन करंट इन कलेक्टर, चेंज इन करंट इन बेस, ये क्या है, एसी करंट गेन है, ठीक है। वोल्ट अगर मैं एसी वोल्टेज गेन निकालेंगे तो बीटा एसी इनटू रेजिस्टेंस गेन। और ये फॉर्मूला बहुत बार जेई में पूछ चुका है, कभी कभी नीट में भी पूछ ले डायरेक्टली, इस पर क्वेश्चन आ चुका है, हो सकता है डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूला पूछे, है ना। अब देखिए ये वाला पॉइंट जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें देखिए ये मैंने लिख तो दिया हूं ऐसे ही नॉर्मली, ये इक्वेशन जो है सर्किट जो फिगर बनता उससे बनता है। इसमें क्या जीरो, ए जीरो, आईसी जीरो, आईबी जीरो है, तो वी ओ वी सी सी के बराबर है, कट ऑफ स्टेट है। इसमें देखो ये हमारा इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, इसको एक्टिव स्टेज बोलते हैं, ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज होते होते तीसरे वाले पार्ट के बारे में मैंने लिखा ही नहीं था, डिक्रीज होते होते एक समय बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत ऐसा पूछ सकता है, ये स्विच का काम कब करता है, स्विच का काम ये एक्टिव रीजन को बहुत कम कर दें, तो ये कट ऑफ स्टेट और सेचुरेशन रीजन, एक बार हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, तो ये स्विच का काम करेगा। किसका काम करेगा, ये एम्पलीफायर का कब काम करेगा, जब इसको थोड़ा सा ठीक कर देंगे। यहाँ पर ट्रांजिस्टर है, एक्टिव है, काम कर रहा है, तो थोड़ा सा वोल्टेज कहेंगे हेलो तो सुनाई देगा तेज से, है ना। तो यहाँ पर एम्पलीफायर का काम करता है। अगर मैं स्विच की बात करें कहाँ पे काम करता है, तो कट ऑफ रीजन और सेचुरेशन रीजन में काम करता है। और ये जो बहुत थिन हो जाता है, बहुत क्या हो जाता है, थिन, मतलब इतना मोटा फिगर में बनाया हूँ, इतना मोटा, लेकिन एम्पलीफायर का काम करता है तो इसी में काम करता है। और ये आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का फिगर है, सिंपल। इसकी सर्किट डायग्राम नहीं बनाया, देखना चाहे दे सकते, मैक्सिमम चांस है यही ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आने का इस साल संभावना है, है ना। अब देखिए लॉजिक गेट कभी मत छोड़ के जाइएगा, ये थ्योरम जरूर याद कर लीजिएगा। अगर ए प्लस बी का बार है, अगर डॉट में करना चाहते हैं तो ए का बार बी का बार हो जाएगा, ए बी है अगर इसको प्लस में करना चाहते हैं तो ए का बार बी का बार हो जाएगा, सिंपल। नॉट गेट इस तरीके से होता है, ए का जस्ट उल्टा हो जाता है। एंड गेट क्या होता है, ए बी हो जाता है। और ये है नेंड गेट, ये अगर यहां पर देखो ध्यान रखिए, अगर जैसे ही यहां गोला लगा दो इसका नाम हो जाएगा नेंड गेट, क्या हो जाएगा, नेंड गेट हो जाएगा। ये और गेट है, जैसे ही गोला लगाएंगे तो नॉर गेट हो जाएगा। सिंबल याद करें, ये ए का बार होता है, ये क्या होता है हमारा ए बी होता है, ये ए बी का बार होता है, ये ए प्लस बी होता है, और ये ए प्लस बी का बार होता है। दो एक्स्ट्रा है, इसको रीड करना चाहे कर लीजिएगा, एक्स और गेट, इसका सिंबल ऐसे ही बनता है, ये टच नहीं है, ए बी का बार प्लस ए बी बी, ए बार बी है ना। ये क्या है, एक्स नॉर गेट, ए बी का होल बार प्लस ए बी, इसको एक्स नॉर गेट बोलते हैं, इसका सिंबल ऐसा है, यहां पर ये कट करके टच किया है ना। ये जो लॉजिक गेट का है ना, इसका अगर मैं ऐसे लिखता हूं कैसे लिखता हूं, ये जीरो है तो ये वन होगा, वन है तो जीरो होगा। अगर इसके बारे में बात करेंगे ऐसे, तो ये जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन और वन वन, इस तरीके से लिखते हैं। मैं इसका लिखता हूँ एंड गेट का, ये डॉट करना, तो जीरो इंटू जीरो क्या होगा, जीरो, ये ए है, ये बी है, ये वाई है। वन इंटू जीरो कितना होगा, जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू वन वन होगा। अगर इस पे बार लगा दो, ये ए बी का बार, जस्ट ये उल्टा हो जाएगा, इसको ये वाई डैश इसके फिलहाल मान लो, तो ये हो जाएगा वन 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 जीरो हो जाएगा, ये निंड गेट हो गया। ऊपर वाले के बारे में बात करें, जीरो जीरो, इसको मैं वाई मान लेता हूँ, सॉरी को मिटा दो, ये हो जाएगा ए बी और वाई, वन जीरो जीरो वन वन वन, जीरो प्लस जीरो कितना होगा, जीरो, वन प्लस जीरो वन
जीरो प्लस वन वन और वन प्लस वन वन, हाई और हाई तो हाई वोल्टेज आएगा, जस्ट इसका बार लगा दो तो ये नोर आ जाएगा वाई पे बार, ये कितना आ जाएगा हमारा, इसका उल्टा करेंगे तो वन आ जाएगा जीरो जीरो जीरो। इसका पता है वेव सिग्नल भी बनाता है, वेव सिग्नल का मतलब समझ रहे हो, अगर इसका वेव सिग्नल बनाएंगे तो वन 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 रहेगा तो जब ग्राफ बनाते हैं तो ऊपर होता है, जीरो होगा तो नीचे होता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको लग रहा है मुझसे कुछ भी हेल्प हो रहा है आप सिंपली मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और उसी टॉपिक को मुझे सिस्टमेटिक देखना चाहते हैं और बहुत कम समय में, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए, मैं फास्ट इसलिए करा रहा था, एक बार देखे कि ऐसा ऐसा करके जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सिस्टमेटिक वीडियो देखना चाहते हैं और भी कम समय में, अगर कोई आपका पॉइंट वीक है तो कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक पे मैं डीपली वीडियो डाल सकता हूं और आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।